महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय हम मेंढर सब डिवीज़न में मौजूद हैं। मेरे ठीक ये साथ में आप देख सकते हैं कि ये शिव मंदिर है। यहाँ पर आज सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसके साथ अगर पुंछ की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दरबार में भी लोगों का सुबह से जो है वो तांता लगा हुआ था। श्रद्धालु भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे थे, जबकि उसके साथ पुंछ का एक ऐतिहासिक मंदिर शिवखोड़ी वहां पर भी, और मेंढर सब डिवीज़न के अंदर अगर शिव मंदिर अड़ी हो, शिव मंदिर मेंढर हो, हनुमान मंदिर हो, या फिर प्राचीन तीर्थ स्थान रामकुंड हो, वहाँ पर भक्त जो है वो बड़े उत्साह के साथ अपने श्रद्धा भाव के साथ जो है वो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। वहीं अगर आपको बता दें कि ये जो इलाका है बिल्कुल सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है, और यहाँ पर अपने आप में एक ऐतिहासिक पल होता है जो आज का ये भव्य कार्यक्रम, क्योंकि सुबह से पूजा अर्चना, रामायण जी का पाठ और तमाम तरह के कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं, और काफ़ी भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है कि ये शिवरात्रि का पर्व कहीं ना कहीं एक आस्था का प्रतीक है जो कि सीधा भगवान शिव के साथ जो है वो कनेक्ट करता है, जोड़ता है। और आज इस इलाके से तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने पूरे देश भर के लिए शुभकामनाएं जो है वो दी हैं, और ख़ास तौर पर सरहद पर जो डटे जवान हैं, जो देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, उनको भी लोगों ने जो है वो महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दरबार में रुद्र अभिषेक और कई तरह के कार्यक्रम जो है वहाँ पर किए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और केसर टीवी के माध्यम से भी आप सभी शिव भक्तों को आज के इस कार्यक्रम की, आज के इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राही कपूर, केसर टीवी, पुंछ। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जय भोलेनाथ। मैं रंजीत शर्मा, विश्व हिंदू परिषद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इंचार्ज शिव मंदिर अड़ी। मैं सबसे पहले आज के इस पवित्र कार्यक्रम, महान कार्यक्रम जो ना केवल भारत में आप तो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, महाशिवरात्रि का पर्व, मैं अपने देशवासियों को और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सभी अनुयायियों को आज के इस उपलक्ष्य की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह हो कि हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। कल से यहाँ अखंड पाठ शुरू है शिव मंदिर अड़ी के अंदर, और आज भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। इसी तरह से लवर अड़ी, बेला मंदिर, हनुमान मंदिर मेंढर में, शिव मंदिर मेंढर के अंदर, और ऐतिहासिक यहाँ तीर्थ स्थान है रामकुंड उसके अंदर, और एक भव्य जो तीर्थ स्थान हमारा बूढ़ा अमरनाथ है, और शिवखोड़ी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बड़े छोटे महान जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनके अंदर आज का ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और जो सनातनी अनुयायी हैं वो सुबह से ही भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं, पाठ पूजा हवन और शिव अभिषेक के अंदर जो है वो अपनी पूजा दे रहे हैं। और पूरे विश्व की तरह हर बार जो हर वर्ष हम यहाँ पर ये शिवरात्रि का महाउपलक्ष्य मनाते हैं, बड़े दूर दूर से यहाँ पर अनुयायी भक्त लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, और उनके साथ साथ यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया जाता है। उससे पहले यहाँ पे एक रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है, उसकी संपूर्ति के बाद यहाँ पे जितने भी हमारे भक्त लोग हैं वो यहाँ पे भोले जी के दरबार में आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने आशीष को वो ग्रहण करते हैं। आपसे इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर मैं राही जी पूरे विश्व भारत में, बल्कि भारत के बाहर भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें लोगों को जिस तरह से एक नई ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा के साथ साथ हमें पूरे विश्व भर में और हर मंदिर जो है हमारा चाहे कहीं भी हो उस मंदिर के अंदर ये प्रोग्राम हमें करने चाहिए, और जितने भी लोग हैं हमारे सब एक जगह एकत्रित होकर इस प्रोग्राम को मनाना चाहिए और भगवान जी के दरबार में आकर उनके आशीष पाने चाहिए। जय हिंद। जय हिंद भारत माता की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव शंकर भोलेनाथ। आज शिवरात्रि का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसी परम्परा तरीका के साथ तहसील मेंढर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी मनाया जा रहा है।
आज का त्यौहार शिव मंदिर बाबा जटाधारी जी का मंदिर है, अड़ीपूठा मंदिर शिव मंदिर है, रामकुंड तीर्थ स्थान है, पर जो मेन कार्यक्रम है यहाँ की जो शिव मंदिर की कमेटी है श्री श्यामलाल दत्ता जी, रोरी चंद्र जी, देवेंद्र कुमार टंडन जी, पारू जी, इन सब ने जो मिल करके यहाँ जो प्रोग्राम किया है, प्रसाद की व्यवस्था की गई है, चरामत की व्यवस्था की गई है, हमारी जो देश की सेना है बॉर्डर पर बैठी है, भगवान शंकर उस पर सदैव कृपा बनाए रखें, हमारे देश की 140 को प्रजा पर महादेव कृपा बनाए रखें, देश की राजा देश की प्रजा इन पर कृपा बनी रहे, जिंद परिंद पशु पक्षी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि कृपा बनी रहे। हमारा हिंदू मुसलमान का यहाँ भाईचारा है, यहाँ से पाकिस्तान सिर्फ 5 किलोमीटर हवाई है, और यहाँ पर हमारी मेंढर तहसील जो बाबा दुद्धाधारी बाबा जट्टाधारी जी का मंदिर शिव मंदिर राणा चौक में है, इसमें मनाया जा रहा है। हम पूरे समाज को इस कमेटी की ओर से कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज पूरे भारतवर्ष की तरह ही हमारे सब डिविज़न मेंढर में भी महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें सुबह से ही सब डिविज़न मेंढर के मंदिरों में जैसे रामकुंड आ गया, हमारे शिव मंदिर मेंढर, ये शिव मंदिर अड़ी में बड़ी धूमधाम से लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारी सब डिविज़न की तरफ से सब भक्तों को, शिव भक्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद है।